हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को अमली जामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित तो होंगे। भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वे पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अंतर्गत भी लाया जाएगा और जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई 2003 के बाद हुई है उन्हें आगे की तारीख में ओपीएस दी जाएगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि नियमों में आवश्यक संशोधन के बाद एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों की ओर से जारी अंशदान 1 अप्रैल 2023 से बंद हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। आने का निर्णय लिया। इस निर्णय के वर्तमान कर्मचारी जिनकी संख्या 1,36,000 से के करीब है नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के अंतर्गत आते हैं तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वे सभी पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अंतर्गत भी लाया जाएगा। जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवा वृत्ति दिनांक 15/5/2003 के उपरांत हुई है उनको 22 तिथि से ओपीएस पेंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन उपरांत एनपीएस में सरकारी तथा कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1/4/2023 से बंद हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वो अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार 2023-2024 में करीब 1,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से प्रदेश की 8,000 करोड़ एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस संबंध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इंसेंटिव आधार पर 780 आशा वर्कर रखने का निर्णय लिया गया। ये सामुदायिक स्तर पर सुगम और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करेगी। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के अंतर्गत आशा सेवा प्रदाताओं को रखने के लिए दिशा निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। ओपीएस लागू करने पर सरकार साल 2023-24 में 1,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से प्रदेश की 8,000 करोड़ रुपए एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस संबंध में नियमों में बदलाव करने और आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। मंत्रिमंडल ने योल खास कंट्रोलमेंट बोर्ड के एक्साइड सिविल क्षेत्र को 7 लगती ग्राम पंचायतें रक्कड़ बगानी तंगरोटी खास और नरवाना खास में सम्मिलित करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम 2022 को निरस्त करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। और इस बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नैर चौक मंडी में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य के पद को भरने का भी निर्णय लिया। धन्यवाद। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।